सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सुबह के 8 बजे हुए हैं, नहा धो के मैं रेडी होके अभी जाने लग गई हूँ मेरे काम से, कहीं भी जाना है तो। और यहाँ पे गिरीश जी पी रहे हैं फ्रेश ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस पिया मॉर्निंग में। यस गुड मॉर्निंग। तो क्या प्लान है आज का? कहीं माइंड में छे नहीं अत्यारे। क्या करोगे बच्चों के साथ? उधम मचाओगे? ये नहीं रहते प्ले कर। हूँ मारू काम करी। ओके शिवांश बी गुड। ओके शिवांश तो गुड ही रहने वाला है। आदि बी गुड। ओके तो आई होप कि आप अच्छे से संभल पाए, घर और बच्चे दोनों। मेरी गृहस्थी आपके हाथों में है आज की। पूरे दिन की आज की मेरी गृहस्थी गिरीश के हाथों में है। देख के मैं आने के बाद बताऊंगी कि कैसा संभाला है घर। ना नहीं तो व्यवस्थित रहे से। श्योर? हाँ। अभी तो अप टू डेट करके जा रही हूँ आने के बाद। अप टू डेट ना जो बद्दू जो ना अप टू डेट अच्छे है। चलिए आ गई हूँ मैं मेरे काम से। और यहाँ पे ना मैं एक प्रैंक करने वाली हूँ बच्चे के साथ और गिरीश के साथ। लेट्स सी उनका रिएक्शन क्या होता है। ये फेक लगा लिया था मेरी गाड़ी में से मिला तो ऐसे ही लगा लिया। चलो देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो लोग, रिएक्शन क्या होता है। चलो हेलो। क्यों करी? पड़ी गई जो। Yes, daddy. Hello, कहाँ? क्या चल रही? Daddy ऊपर आ दी नशा ऊपर। जो? हूँ करी वो। वाइगु। हूँ वाइगु। पड़ी। क्या? गई थी ना? वाइगु। पड़ी थी या उल्लू? यम कौन कता पड़ी? Won't you hurt yourself? Yeah? I hurt myself, daddy जो। पे यम कौन कता पड़ी? Why did you cut? તને કહો પડી ગઈ લે પણ એમ કેમ કે તેમ પૂછું છું લપસી ગઈ બો હાર તો આખી ક્યાં હોય છે હાઉ શુડ યુ ડેટ ઇટ્સ જસ્ટ અ પ્રેન્ક યસ નથિંગ ઓન ઇટ આજી ચલ અહીંયા માલો દીકો નઈ નઈ કલી દો યસ યસ તો કેસા લગા મેરા મજાક ગિરીશ હા ગાય પાલ નઈ ડરાય હનુ ओके आने से पिन चोट के शिवम को सुबह सुबह बोल दिया नहीं दी जाना है तो अभी से चालू हो गया है। अभी कितने बजे है? 4:30 बजे है। तो कैसे रहा आपका पूरा दिन मुझे एक्सप्लेन कीजिए। बर्तन वर्तन तो वॉश करती है। मारो का काम मैं बता दी दो। ओके स्टोर में काम है तो होलसेल में जाना तो बधु बाय के थोड़ी बधु बता दी दो। कैसा रहा थोड़ी दी जो है बाजार में जो जलसा थी। गुड गुड आई एम हैप्पी। हां बच्चे आई एम हैप्पी विद द थिंग्स। चलो कंटिन्यू करते हैं, मुझे भूख लगी है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिर ना तो खा ही लेते जाते हैं। ओके तो कल के बाद मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो का, क्योंकि कल तो मेरा पूरा दिन वैसे मैं बाहर ही थी इसलिए कुछ वीडियो नहीं किया। पर आज सुबह का थोड़ा बहुत रूटीन जो है वो वीडियो मैं कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इनटू माय अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग शिव। अभी सुबह 8 हुए है। गुड मॉर्निंग आदु पादु। हाँ तो अभी कितने बजे? 7:30 बजे के उठ गए हैं ये दोनों। तब से धमाल चल रही है और बाहर का जो वेदर है ना पूरी रात आई थिंक बारिश हुई है तो इसीलिए अभी सुबह भी उठने के बाद भी लग रहा था कि अभी रात ही है क्योंकि इतना अंधेरा था। तो अभी भी थोड़ा अंधेरा ही है। देखो बाहर पूरी तरह से दिन नहीं खिला है आज। और सुबह कितने बजे? 7 बजे कौन जग जाता है कथा। 7 बजे उसका मैसेज आया। 8:30 बजे आना। थोड़ी देर बैठेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, चाय वाय पियेंगे अच्छे से क्योंकि गिरीश भी चला गया है शॉप पे। मैं और बच्चे हैं पूरे दिन आज तो उधम मचाने के लिए। आज बनाएंगे कोरजेट का मोटिया ढोकड़ा। ये तने भावे छे। ईसु हो तने भावे छे।
चलो अभी चाय पी लेते हैं फटाफट से और फिर कंटिन्यू करते हैं, तब तक कथा जी आ जाएगी हमारी। सुबह 9 बजे से आ गए हैं कथा जी यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, थोड़ी देर बैठे तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि कल भी बहुत बिजी डे था तुम्हारा भी। हम मिले नहीं थे ना तो ऐसे थोड़ी हो गई। हाँ तो सोचा कि थोड़ी देर बैठ ले, फिर पूरा दिन काम ही है, पूरा दिन काम यहाँ पे तो ऐसा ही होता है। हाँ तो थैंक यू फॉर मेथी की भाजी, मेथी की भाजी मुझे देने आई थी बेचारी, हाँ क्योंकि बहुत अच्छी सी आई मिली थी, चीनी होती है ना छोटी वाली बहुत, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। हाँ तो वो उसके भजिए नहीं थेपले बनाएंगे भजिए। मैं आज हमारे आनंद ने की तो वो मस्त है, मैं कहता हूँ भजिया बनाए अना भजिया वो फाइन लगे बोलती गई, पीछे मैं अटकी गई, मैं कहीं मैंने करवा के अटकी जा रहे नहीं नॉर्मल भजिया, क्योंकि संडे जाना है ना ठूस ने अभी नहीं कुछ खाना। चलो तो यहाँ पे बाहर आते ही कथा ने बोला फोटो ले ले, क्योंकि इतना अच्छा बाहर का देखो, वहाँ पे वो जो लीव्स है ना वो सब कुछ कितने अच्छे लगते हैं ना, क्लाउडी मस्त है, मस्त है वेदर, विंटर ही विंटर आज नहीं आया आना थी सर है फीवर था। हां ये जो मस्त मस्त व्हाइट व्हाइट इट्स ए मच्छी छे, मच्छी छे भी ए अलाइव छे ए जीव, आई मीन हां जो मच्छी छे जो हां उड़ी गई। तो अभी वॉक पे जाने का मन तो हो रहा है पर जा नहीं पाएंगे, नेक्स्ट वीक से जाएंगे, नेक्स्ट वीक। वैसे अभी मैं प्लान कर रही हूँ वेदर जो का वेदर जो पड़े ना पल्ला या वेदर अच्छा ही होएगा देखते नहीं है। नहीं नहीं होएगा है ना, कैसे होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा कोई बात नहीं। बच्चों का जो है लंच करवा दिया है, अभी 12:30 बज चुके हैं और मेरा वीडियो का एडिटिंग अभी भी बाकी है, पर थोड़ी बहुत मिनट्स कम हो रही थी तो मैंने सोचा कि कंटिन्यू कर देती हूँ वीडियो का। तो अभी अभी जो है मैंने ये मेथी जो कथा ने मुझे दी थी सुबह, तो वो काट के अच्छे से धो के यहाँ पे रख दी है, क्योंकि अभी शाम को बनानी है मुझे कॉर्जेट के मुठिया ढोकला। तो उसके लिए गार्डन से ये जो अनियन छोटे छोटे बोए थे वो और ये स्प्रिंग अनियन सब कुछ जो है वो ले लिया है, क्योंकि अभी जो है इतना ज्यादा नहीं उगेगा जितना था उतना ले लिया है, तो ये उसमें यूज कर लूंगी मैं। मिर्ची तो हमारी आई ही नहीं इस साल, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप थी जब भी मैं इंडिया में थी तभी, तो थोड़ा बहुत सूख गया था। अगला नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या करेंगे। और हाँ और एक बात जो कथा की सास ने बोली है कि वो गार्लिक आता है ना वो बोती है, तो अभी विंटर है तो गार्लिक बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग ये ट्राई करेंगे कि ये सब कुछ क्लीन हो जाए और उसके बाद थोड़ा बहुत गार्लिक भी मैं उगा दूंगी, क्योंकि वो विंटर में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इंडिया से मैं लाती हूँ, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि ये जो बारिश वाला मौसम और भेज वाला थोड़ा होता है तो अंदर से खराब हो जाता है, कई बार मेरा हुआ है। तो इस साल ये ट्राई करने वाले हूँ, अभी देखता है कि जब धूप आएगी थोड़ी अच्छी सी, आई मीन बारिश नहीं होगी फिर भी कोई बात नहीं, तभी मैं कर सकती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, आज इतना ज्यादा लंबा कौन आ गया, हाँ मेरे पार्सल आने वाला था। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया तो। बाय बाय एंड टेक केयर। पार्सल आ गया है मेरा, अभी देखते हैं कि क्या निकलता है। मैं जब भी मंगवाती हूँ ना तभी याद रहता है, और उसके एक वीक बाद मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कुछ चीजें मंगवाई थी। जब भी मेरे पार्सल आता है ना तभी मुझे थोड़ा होता है कि हाय मुझे ही मेरा सरप्राइज मिल गया। अभी देखते हैं मैंने क्या मंगवाया था उसमें से क्या आया है। मंगवाया तो बहुत ज्यादा था। ओ यस, मैंने टी शर्ट मंगवाई थी शीन में से, मैंने बैग तोड़े भी दिए देखो यहाँ पे, पर एक ही टी शर्ट आई। मैंने तो बहुत ज्यादा मंगवाया था सब कुछ, पता नहीं क्यों, देखना पड़ेगा ऑर्डर में। दिखा देती हूँ टी शर्ट, ये ना लॉन्ग टी शर्ट मैंने मंगवाई थी, हाँ देखो ये इस टाइप की है टी शर्ट, बहुत ज्यादा मोटी आ गई यार, थोड़ी ज्यादा ही ओवरसाइज आ गई। मैंने ओवरसाइज देखा था उसमें पर सोचा कि इतनी ज्यादा एक और तो वाली थी हार्ड शेप वालों ने, बट आमन गमतु तो अनु मटेरियल ने बधु सारू डिस्क्रिप्शन में हतु ने,
मटेरियल अच्छा है पर इसका, पर कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा। अभी ये टी शर्ट आ गई है हमारी, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि गिरीश के साइज की टी शर्ट आ गई है। अभी देखते हैं, मैं गिरीश को दिखाऊंगी पहन के, अगर उन्होंने बोला कि ठीक है तो रखेंगे वरना वापस। शीन का यही फायदा होता है, जो भी चीजें मंगवाओ अच्छी नहीं लगती रिटर्न। वैसे सिर्फ एक टी शर्ट ही नहीं मंगवाई, बहुत बड़ा ऑर्डर किया हुआ है। अभी कभी आएगा पता नहीं, जब आएगा तभी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। जैसे कि पिछली बार बताया था आपको, शीन का जो हॉल मैंने किया था वो अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर से करने वाले हूँ, अगर सही सलामत सारे एक साथ ही ऑर्डर आ गए तो। अभी एक एक भेजेंगे तो उसमें मैं क्या ही हॉल बनाऊंगी। चलो तो अभी ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। आपको पता ही है कल बहुत ज्यादा बिजी थी, इसीलिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं बना है ब्लॉग, आज बस इतना ही रख रही हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर।